हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रशांत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RP होम्स में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि रेगुलर मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आता हूं, नई नई प्रॉपर्टीज़ लेके आता हूं, आपसे डेली कोई ना कोई मैसेज मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आज मैं प्रॉपर्टी लेके आया हूँ आपके लिए 2 BHK, 80 गज का ये आपको बिल्डर फ्लोर मिलता है। सेक्टर 17 में ये आपको सोसाइटी मिल जाती है। सेक्टर 17 के अंदर ये बिल्डर फ्लोर DDA की ऑलरेडी सारी पॉकेट है। DDA का पार्क आपको सोसाइटी के अंदर मिलता है, सारी फैसिलिटीज आपको इस पॉकेट में मिलती है। सन फेस की ये आपको प्रॉपर्टी मिलती है, नीचे आपको कार पार्किंग सेपरेट मिलती है। और ये जो आज प्रॉपर्टी लेके आया हूँ ये 80 गज है, 2+1 ये बना हुआ है, फुल्ली फर्निश्ड। आपको खाली अपना फर्नीचर लेके आना है और उसमें शिफ्ट होना है, कोई काम आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर से ये बात कहना चाहता हूँ आज कि आप जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो इस पॉकेट में या किसी और पॉकेट में, DDA में, बिल्डर फ्लैट या किसी भी ब्रोकर के थ्रू आपको कोई प्रॉपर्टी समझ में आती है, उसको थोड़ा सा प्राइस का वेरिएंट, प्राइस का नेगोशिएट करके उस प्रॉपर्टी की डील को लॉक कर लीजिए। अदरवाइज़ जो सिनेरियो भी प्रॉपर्टी का चल रहा है वो डे बाय डे नई इन्वेंट्रीज आती जा रही हैं और प्राइस हाइक होता जा रहा है। ऐसा ना हो इस रेस में कहीं आप पीछे रह जाएं। मैं प्रॉपर्टी का व्यू शुरू करता हूं। ये हम खड़े हैं प्रॉपर्टी के ड्राइंग रूम में। 16 से 17 फिट लंबा ये आपको ड्राइंग रूम का साइज़ मिल जाता है। और इस ड्राइंग रूम के सामने की तरफ एक बेडरूम पड़ेगा, एक बेडरूम मेरे पीछे की तरफ है, 2 इसमें वॉशरूम मिलते हैं, 1 किचन मिलती है और 1 काफ़ी अच्छी इसमें बालकनी मिल जाती है। सन फेस की ये प्रॉपर्टी मिलती है आपको, पार्क की सारी फैसिलिटी मिलती है, मेट्रो स्टेशन भी पास में ही है। स्टार्ट करते हैं दोबारा से एक बार प्रॉपर्टी का व्यू। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी मेन एंट्रेंस पे। दोस्तों ये आ जाती है प्रॉपर्टी की मेन एंट्रेंस। सामने आपको मिलती है लिफ्ट, लिफ्ट से आप एग्ज़िट करते हैं और ये आ जाता है आपका स्टेयरकेस। स्टेयरकेस के सामने आपको ये मेन एंट्रेंस मिलती है। बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी में आपको दरवाज़े मिलते हैं, दरवाज़े पे आप काम दे सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से ये ग्रे एंड वाइट कलर का कंट्रास्ट प्रॉपर्टी में दिया गया है। आप अंदर आते हैं और अंदर आते ही आपको शानदार मिल जाता है ये ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का जो साइज़ है आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा आपको ये ड्राइंग रूम का साइज़ मिल जाता है। और इसी ड्राइंग रूम से कनेक्टिव आपको सारी की सारी एमिनिटीज़ आपको इस प्रॉपर्टी की मिलती है। ड्राइंग रूम में एंटर करते ही काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है। सामने आप देख सकते हैं पूरी की पूरी वॉल पे आपको ये वॉलपेपर मिल जाता है और वॉलपेपर के साथ में ये लूअर्स, ब्राउन कलर के आपको वुडन लूअर्स के साथ ही आपको डिज़ाइनिंग मिलती है। ऊपर आप देख सकते हैं बड़ी सुंदर, बड़ी शानदार आपको फॉल सीलिंग मिलती है। इसमें आपको शैंडलियर ऑलरेडी लगा के दिया जाएगा, फैंस ऑलरेडी लगा के दिए जाएंगे। फ्लोरिंग की अगर हम बात करें तो 2x4 की बड़ी सुंदर इटालियन फ्लोरिंग इसमें यूज़ करी गई है। ये सामने आपका आ जाता है LED पैनल। LED पैनल भी आपको ग्रे कलर की शीट के साथ आपको तैयार करके मिलता है। इसमें काफ़ी अच्छा ड्राइंग रूम ये आपको मिल जाता है। इसी ड्राइंग रूम के साथ आपको मैं बात करूँ तो ये आ जाता है आपका किचन। किचन में एंट्री भी बड़ी सुंदर डेकोरेटिव एक एंट्री बनाई गई है और 2 साइड ये स्लैब आपको इसमें किचन की मिल जाती है। ये आ जाता है आपका सिंक एरिया। सारा का सारा स्पेस आपको ये सेपरेट दिया गया है। ऊपर भी और नीचे भी आपको मॉड्यूलर वर्क आप देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। इसमें इस तरीके के कटलरी बॉक्सेस आ जाते हैं, आप ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है ये बॉक्सेस आ गए इसमें। और नीचे भी आप देख सकते हैं ये आपको स्पेस, काफ़ी अच्छा स्पेस दोनों तरफ मिलता है। ऊपर भी ग्रे कलर के शीट के साथ ये बॉक्सेस का काम किया गया है और नीचे भी सेम कंट्रास्ट के साथ किया गया है। ग्रेनाइट का इसमें ये स्लैब आपको मिलता है टाइल्स का, साथ में आप देख सकते हैं डार्क ग्रे कलर की बड़ी सुंदर टाइल्स इसमें यूज़ करी गई है। ये आ जाता है आपका चिमनी का स्पेस। चिमनी दोस्तों आपको लगा के दी जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि किचन में जब हम काम करते हैं तो काफ़ी गर्मी महसूस होती है, वेंटिलेशन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इसी किचन से एक और आपको एग्ज़िट मिल जाती है, ये आपकी बालकनी की। आप देखिए ये आ जाती है आपकी बालकनी। किचन के साथ ये बालकनी का जो कंसेप्ट है दोस्तों बहुत अच्छा है, बहुत कम प्रॉपर्टीज़ में ये मिलता है। और ये पूरी आप देख सकते हैं आगे से पीछे तक पूरा आपको ये बालकनी का साइज़ मिल जाता है। सामने आपको 30 फुट की रोड मिल जाती है आप देखिए, और रोड के बिल्कुल सामने आपको मिल जाता है DDA का पार्क। इस तरफ भी आपको पार्क मिल जाता है और इस तरफ भी पूरी ग्रीन बेल्ट मिलती है। यहाँ सामने की तरफ काफ़ी चौड़ी आपको ये इसमें रोड मिल जाती है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं पूरी पॉकेट में सारे के सारे बिल्डर फ्लैट बने हुए हैं, लोग यहाँ रह रहे हैं। अभी हम अपने किचन से आ गए अपने ड्राइंग रूम के अंदर। अब दोबारा जब हम ड्राइंग रूम के पोर्शन में आते हैं तो अब रह जाता है हमारे 2 बेडरूम। मैं आपको लेके चलता हूँ आपके फर्स्ट बेडरूम में।
ये देखिए ये आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम। ये आपको पूरा का पूरा वॉल पे देखिए आप, बड़ी सुंदर एक आपको वुडन अलमीरा पूरी वॉल पे आपको कंप्लीट बना के दी जाती है। स्टोरेज के लिए आप देख सकते हैं, आपको ये पूरा का पूरा स्पेस लाइटिंग के साथ आपको ये अलमीराज मिलती हैं, और ऊपर भी आपको पूरे के पूरे बॉक्सेस मिलते हैं। फॉल सीलिंग आपको इस बेडरूम में भी मिलता है आप देखिए, और ये जो स्पेस है यहाँ पे आपको वुडन लूवर्स का सारा काम मिल जाता है। और ये आ जाता है हमारा यहाँ पे अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम की अगर हम साइज़ की बात करें तो कॉम्पैक्ट अटैच वॉशरूम का हमें साइज़ मिलता है। हमें ये ग्रे कलर की कंट्रास्ट की टाइल इसमें मिलती है, और इसमें एक हमें वेंटिलेशन के लिए पीछे शाफ्ट भी मिल जाती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके सेकंड बेडरूम में, आप आइए मेरे साथ। ये आ जाता है दोस्तों आपका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम का भी जो साइज़ है तकरीबन 10x11 का आपको ये बेडरूम का साइज़ मिल जाता है। सामने आपको वॉल पर बड़ी सुंदर डिजाइनिंग मिल जाती है, एक आपको उधर अलमीरा मिल जाती है ग्लास के साथ, और ऊपर आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का काम बड़ा शानदार आपको इस प्रॉपर्टी में मिलता है। और इस वाले बेडरूम से भी आपको ये आपकी बालकनी अटैच मिलती है, जैसा आपको दिखाया गया अभी आप देख सकते हैं ये बालकनी भी आपको इसमें अटैच मिलती है पूरी एयर वेंटिलेशन और सनलाइट के साथ। ईस्ट फेसिंग की वजह से आपको प्रॉपर सनलाइट इस प्रॉपर्टी में मिलती है, और ये यहाँ पर आ जाता है, इसमें भी आपको एक जो वॉशरूम है वो अटैच मिलता है। ये रहा, और ये वॉशरूम आप देखेंगे तो इसका जो डोर है वो आपको यहाँ से भी मिलता है। ये आपका कॉमन वॉशरूम भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, आप देखिए वहाँ से आपको ये अटैच मिलता है और यहाँ से कॉमन मिलता है। ये आपको ऑप्शन इसमें बोथ डोर्स का ये ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। ग्रे एंड लाइट कलर की बड़ी सुंदर कंट्रास्ट का काम इसमें मिलता है आपको, और ये पूरा का पूरा फिनिशिंग के साथ कम्प्लीट आपको ये वॉशरूम मिल जाता है। जैसा कि ये प्रॉपर्टी आपको दिखाई गई, 80 गज का बिल्डर फ्लोर ये आपको मिल जाता है। इसमें फर्स्ट फ्लोर की इन्वेंट्री मिल जाएगी, सेकंड फ्लोर की इन्वेंट्री आपको मिल जाएगी, और अपर ग्राउंड फ्लोर की मिल जाएगी, और टॉप फ्लोर भी दोस्तों मिल सकता है। इस बिल्डिंग की जो प्रॉपर्टी है सबसे बड़ा यूएसपी पॉइंट है कि आपको ईस्ट फेसिंग की आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है, कार पार्किंग के साथ मिलती है, लिफ्ट की सारी फैसिलिटीज़ आपको इसमें मिल जाती है, रेडी टू मूव आपको ये प्रॉपर्टी मिलती है। इस प्रॉपर्टी की जो डिमांड है दोस्तों 1,10,00,000 रुपये से लेकर के 1,40,00,000 रुपये के बीच में फ्लोर वेरियंट के हिसाब से ये आपको प्रॉपर्टी मिलती है। इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए, इस प्रॉपर्टी के अंदर डिटेल्स जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं प्रशांत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आरपी होम्स में। नमस्कार दोस्तों।